अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। आज हमने चैप्टर नंबर 1 की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज को देखना है। प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज पे 2 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 1 जो है हमारे पास, उसमें उसने कहा है विद द हेल्प ऑफ योर टीचर ओपन द आईडी इंस्टॉल्ड ऑन योर लैब कंप्यूटर, यानी कि आपने अपने कंप्यूटर लैब में जाना है जो स्कूल में है, फॉर राइटिंग ए सी प्रोग्राम। प्रोग्राम लिखना है आपने, राइट द फॉलोइंग प्रोग्राम इन द एडिटर एंड सेव इट एज वेलकम डॉट सी। उसने कहा है कि आपने ये वाला प्रोग्राम आपने लिखना है सी लैंग्वेज का, और इसको आपने नाम किस नाम से सेव करना है, वेलकम डॉट सी। ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल के तौर पर ये है। उसके बाद क्या कहा हुआ है, रन द प्रोग्राम टू सी वेलकम टू सी लैंग्वेज प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन एज आउटपुट, कि आपके पास ये जो वेलकम टू सी लैंग्वेज है आपने इसके वो प्रिंट करवाना है। तो जब आप ये लिखेंगे तो जब आप इसको चलाएंगे तो आपके पास स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाएगा ये वेलकम टू सी लैंग्वेज। लेकिन ये एक प्रैक्टिकल है, ये भी मैं आपको करवाऊँगी, पर भी मैं वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं आपको टाइप करके इसका प्रैक्टिकल बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज नंबर 2। इसमें क्या है, राइट ए प्रोग्राम डैट डिक्लेयर्स वेरिएबल्स ऑफ अप्रोप्रिएट डाटा टाइप्स टू स्टोर द पर्सनल डाटा अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, पहले आपने जब एक्टिविटी 1.8 की है वही सब कुछ है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, उसमें आपने अपना लिखना था, इसमें आपने अपने फ्रेंड का लिखना है। फर्क कोई नहीं है, डाटा टाइप तो हम वही लेंगे। अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड इनिशियलाइज दीज वेरिएबल विद द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या कहा है, इनिशियल लेटर ऑफ हिज नेम, उसका जो नेम है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो इनिश करवाना है। ठीक है, यानी कि उसके लिए डाटा टाइप और उसके लिए वैल्यू आनी है। इनिशियल लेटर ऑफ हिज जेंडर, हिज एज, उसकी एज, और दूसरा उसकी हाइट। तो जिस तरह पहले किया था उसी तरीके से ये है, तो मैं फिर भी आपको करवा देती हूँ। सबसे पहले हर प्रोग्राम में भी आ जाएगा हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद आ जाएगा void में, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले उसने क्या कहा है हमारे पास, इनिशियल लेटर ऑफ हिज नेम, यानी कि नेम के लिए डाटा टाइप क्या होगी हमारे पास, करेक्टर, और इसका हम वेरिएबल नेम क्या रखें, इसका हम लिख लेते हैं फ्रेंड का नेम है तो हम लिख लेते हैं फ्रेंड का नेम है तो हम इसका वेरिएबल नेम रख लेते हैं फ्रेंड नेम। ठीक है, और उसके बाद इसको हम वैल्यू दे देते हैं उसका। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम है आयशा, तो मैं उसका ए रखवा देती हूँ एफ नेम में। ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन। नेक्स्ट उसने पूछा हुआ है इनिशियल लेटर ऑफ हिज जेंडर, जेंडर के लिए भी हमारे पास करेक्टर ही आएगा जिस तरह पहले भी आपने किया था एक्टिविटी 1.8 में। तो यहाँ पर फ्रेंड की जेंडर है तो एफ अंडरस्कोर जेंडर। आप अपना वेरिएबल नेम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये जो है ये मुझे सबसे बेस्ट लग रहा है इसलिए मैंने ये रख लिया है। तो वो फीमेल है तो मैं उसका इनिशियल लेटर लिखवा दूँगी एफ, और उसके बाद सेमीकोलन। नेक्स्ट उसने पूछा हुआ है हिज एज, एज हमेशा क्या होती है हमारे पास इंटीजर में, तो हम यहाँ पर ले लेंगे इंटीजर और सिंपल यहाँ पर लिख देंगे एफ एज, एफ अंडरस्कोर एज, एज में हम उसका रखवा देंगे 15 या जो भी उसकी एज है। उसके बाद उसने पूछा हुआ हिज हाइट, हाइट हमेशा हम लेते हैं फ्लोट में क्योंकि वो हमेशा पॉइंट में होती है, फ्लोट इसका हम क्या रखेंगे एफ हाइट, फ्रेंड की हाइट है, इसकी वैल्यू का रखेंगे हम 5.1 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो उसके बाद हम लगा देंगे ये वाली ब्रैकेट, ये हमारा क्या होगा एक्सरसाइज 2 का आंसर है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई है ये। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।